अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी अब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट आई है, नई पोस्टें आई है, तो अभी हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें कितनी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की डेली जॉब्स अपडेट आप तक पहुँच सके। हमारे इस चैनल पर रोज़ जॉब्स अपडेट आती रहती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये जो पोस्ट आई है ये 12th पास कैंडिडेट्स के लिए है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी 12th पास है उनके लिए वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर एंड तक देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो पोस्टें आई हैं ये रिक्रूटमेंट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई है, तो इसमें मैं आपको बता दूं जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट है 17 मार्च से 31 मार्च तक रहेगा। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 मार्च को रहेगी, और साथ साथ में मैं आपको बता दूं इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो आपका 20 मई 2023 से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम इसमें सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, द सिलेक्शन टेस्ट इज़ नॉट फॉर द सिलेक्शन एज कंपेंड ऑफिसर्स पायलट एंड नेविगेटर्स। तो रजिस्ट्रेशन में मैं आपको बता दूं, आपने इसके लिए जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है, अग्निपथ वायु .cdac.in पे जाना है, तो वहाँ से अपने आपको रजिस्टर करना है और वहीं से जो है आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं ये जो टोटल पोस्टें हैं इसमें 3500 प्लस पोस्टें हैं, मतलब 3500 से ज़्यादा पोस्टें हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूँ, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका जो है 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें पे की बात करें तो सैलरी जो है इसमें फर्स्ट ईयर में आपकी रहने जा रही है 30,000, सेकंड ईयर में 33,000 और थर्ड ईयर में 36,500, फोर्थ ईयर में आपकी 40,000 रहने जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी नोटिफिकेशन दी गई है। उसके बाद अगर हम फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए यहाँ पर हाइट दी गई है 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो फिर अगर हम एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें वो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है एग्जामिनेशन फ़ीस पर कैंडिडेट जो है 250 रुपये रहेगी, 250 रुपीज़, तो वो जो है आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। उसके बाद अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपका जो है आपकी एज जो है 21 ईयर से बिलो होनी चाहिए, 21 ईयर से अबो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसके रिगार्डिंग सिलेबस, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, तो वो जो है आपको सारा डिटेल में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है, अग्निपथ वायु .cdac.in पे जाना है, तो वहाँ पर जो है आपको इसका सिलेबस भी मिलेगा, क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो भी इसी वेबसाइट पर आएगी। तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।